गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स को ओपन कीजिए और चैप्टर 5 पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। वहाँ पे नाउन जेंडर दिया हुआ है। ओके, अब इस पे हमें क्या करना है, आज की डेट मेंशन करना है। हमने डेट मेंशन की, अब हम रीड करते हैं। नाउन्स हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज नाउन्स? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, नाउन में जेंडर देखना है। जेंडर क्या होते हैं, व्हाट इज जेंडर। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये नीचे दिए गए सेंटेंस को रीड करते हैं। अ बॉय इज रीडिंग द बुक, ही इज माय सन। द नाउन बॉय और सन बिलोंग टू ही ग्रुप, दिस ग्रुप इज नो द मैस्कुलाइन। अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, बॉय क्या है हमारा, मेल है। सन क्या है हमारा, ये भी मेल है। ये क्या कर रहे हैं, ही ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ही ग्रुप। बॉय के लिए भी ही यूज होगा, सन के लिए भी ही होगा, तो ये हमारे क्या हो गए, मैस्कुलाइन्स होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया हमारा, अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, सी इज माई डॉटर। अब ये क्या कर रहे हैं हमारे, द नाउन्स गर्ल्स एंड डॉटर बिलोंग टू सी ग्रुप। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सी ग्रुप से, मतलब ये फीमेल में आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, दिस ग्रुप इज नो द फेमिनाइन। ये किस ग्रुप के में आ जाते हैं, फेमिनाइन में आ जाते हैं। तो हम इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखते हैं। अब हाँ, हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये जो क्वेश्चन है, ये आपको बुक में अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। तो नोट कर लेते हैं आप, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर का नाउन जेंडर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये भी मेंशन करेंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन। ऐसे नाउन जो किसको रिफर करते हैं, मेल को, कि वो पर्सन कौन सा है, मेल है, वो नाउन क्या कहलाते हैं हमारे, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, मैन, फादर और सन एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे, मेल पर्सन है, तो ये हमारे क्या हुआ, मैस्कुलाइन जेंडर है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मेल, सॉरी, अ नाउन दैट रिफर टू अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। अब किसको रिफर कर रहे हैं, ऐसे नाउन जो किसको रिफर कर रहे हैं, फीमेल को, वो हमें क्या बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स, गर्ल्स इसका फीमेल में आती है, ये हमारा क्या आ जाता है, अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में आ जाता है। वुमेन, मदर एंड डॉटर, ये भी हमारे एक तरह से देखा जाए तो मैस्कुलाइन जो होते हैं, फेमिनाइन के अपोजिट होते हैं। ओके, अब हम इसी तरह इसकी कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी बुक में है। तो एक साइड हमारी बुक्स में क्या दिए हैं, मैस्कुलाइन दिए हैं, और एक साइड हमारी बुक्स में क्या दिए हैं, फेमिनाइन दिए हैं। एक तरह से ये हमारे अपोजिट वर्ड भी होते हैं, जैसे मैन का वुमेन, फादर का मदर, अंकल का आंटी, ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, कॉक का हैन, पिकॉक का पिहन, डॉग का बिच, सन का डॉटर, बॉय का गर्ल। आपको ये सारे रीड करना है, जिससे आपको पता चल जाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैस्कुलाइन क्या होते हैं और फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर 19 ओपन करें। एक्सरसाइज फर्स्ट में यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट मेंशन करना है। ओके, आप डेट मेंशन करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर भी हमारे क्या दिया है एक्सरसाइज में, गिव फेमिनाइन ऑफ द फॉलोइंग टू कम्प्लीट द पेयर। यहाँ पर हमें कुछ नेम दिए, नाउन दिए गए हैं, तो ये क्या है, फेमिनाइन है हमारे। अब यहाँ पर हमें इनका पेयर कंप्लीट करना है, जैसे किंग के साथ क्या आता है, क्वीन, कॉक के साथ क्या आता है, हैन। तो ये हमारे हमने क्या कर रहे हैं, पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या दे रहे हैं, फेमिनाइन नाउन्स दे रहे हैं। ओके, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, टाइगर, टाइग्रेस, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यूज, नीज, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, सर, मैडम, लॉयन, लॉयनेस, बुल, काउ। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने पेयर भी बनाए, और देखिए आप, इधर हमारे मैस्कुलाइन दिया गया था, तो हमने इधर फेमिनाइन जेंडर का यूज भी किया। ओके, अब सेकंड एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो है हमारा, वो आपके लिए होमवर्क है। इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नोट करना है आपको, पर सेकंड एक्सरसाइज को क्या करना है, आपको होमवर्क है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है।
यहाँ पर भी हमारे ऐसा ही है, क्या दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फीलिंग द अपोजिट जेंडर ऑफ हाईलाइट नाउन। कुछ यहाँ पे हर सेंटेंस में एक नाउन को हाईलाइट किया गया है, आपको अपोजिट जेंडर यूज करके उसको फिल करना है। ओके ओके, तो एक्सरसाइज सेकेंड आप करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज थर्ड करते हैं, पेज नंबर 20 पर। तो एक्सरसाइज 3 में क्या दिया है, सर्किल द नाउन इज फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ये भी वैसे तो आप सेल्फ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें क्या है, जो हमारे लिए वर्ड यूज किया गया है, नाउन यूज किया गया है, तो आपको पहचानना है कि वो नाउन जो है हमारा मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, अवर हेडमास्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब सबसे पहले तो हमें नाउन को हमने क्या किया है, यहाँ पे सर्किल कर लिया है, उसके बाद हमने क्या किया है, वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है ये मेंशन किया है। तो यहाँ पे हेडमास्टर क्या है, मेल वर्ड है, मेल नाउन है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या फिल किया है, मैस्कुलाइन किया है। अब ग्रैंड मदर सेकेंड हमारा आता है, सेंटेंस क्या है, माई ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड लेडी। सबसे पहले हमने ग्रैंड मदर पर क्या किया, और लेडी भी, यहाँ पे हमारे टू नाउन है, तो यहाँ पर हमने दोनों को सर्किल कर लिया। अब आपको बताना है ये फेमिनाइन है या फिर मैस्कुलाइन है। तो ये क्या है, किसको रेफर कर रहे हैं ये वाले नाउन, फीमेल को, तो ये हमारे क्या हुए, फेमिनाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द हीरोइन एक्टेड ब्यूटीफुली इन द मूवी। तो यहाँ पे हमारा हीरोइन क्या है, नाउन है, तो इसको हम क्या कर, नेक्स्ट हमारा क्या है, द हीरोइन एक्टेड ब्यूटीफुल इन द मूवी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हीरोइन को सर्किल किया है। अब ये हमारा क्या है, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। नेक्स्ट रोहन इज, रोहन नेफ्यूज इज वेरी नॉटी। तो यहाँ पे हमने रोहन भी हमारा मेल है, नेफ्यूज भी हमारा मेल है, तो क्या होगा, मैस्कुलाइन। नेक्स्ट द टाइग्रेस प्रोटेक्ट हर कब्स। तो यहाँ पे हमारा देखो टाइगर और कब्स तो हम छोड़ देते हैं, टाइग्रेस देखते हैं ये क्या है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, तो फेमिनाइन। नेक्स्ट हमारा अ जेंटलमैन वॉन्ट टू मीट यू। तो जेंटलमैन क्या है हमारा, मेल में आ जाता है, तो ये मैस्कुलाइन। माय फादर गॉट माय ब्यूटीफुल ड्रेस। तो फादर क्या है हमारा, मैस्कुलाइन। हिज वाइफ प्रिपेयर टेस्टी फूड फॉर हिम। तो वाइफ क्या है, फेमिनाइन। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड हॉर्सेज। तो हॉर्स क्या है हमारा, मैस्कुलाइन। ऑल माई आंट गॉट टुगेदर टू सेलिब्रेट। तो आंट हमारा क्या है, फेमिनाइन। तो इस तरह से मैंने, हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और एक्सरसाइज सेकेंड आपको, और थर्ड आपको अपनी नोटबुक में, सॉरी बुक में ही करना है। ओके सो स्टूडेंट, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको आप प्रॉपर एक बार रीड करेंगे और सेल्फ ही इसके डिफरेंट को निकालेंगे। ओके okay?